जिस वक्त गाजा की गली गली में इजराइल के बम गिर रहे हैं, जिस वक्त गाजा पर इजराइल की वायुसेना टनों टन बमबारी कर रही है, तब यहां के एक अस्पताल के बाहर जमाल अल दुर्रा अपने दो भाइयों की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जमाल अल दुर्रा को सिर्फ पूरा गाजा ही नहीं जानता, वो गाजा पर सबसे भयानक हमलों के ऐसे गवाह हैं जिसके आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। 23 वर्ष पहले इस शख्स का एक और वीडियो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया था। एक तरफ जमाल अल दुर्रा अपने दो भाइयों की मैयत के पास बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वर्ष 2000 में वो अपने बच्चों को इजराइल की गोलीबारी से बचाने की कोशिश करते रहे। आज इजराइल की बमबारी में जमाल के दो भाई खत्म हो गए। 23 वर्ष पहले इजराइल की सेना की गोलीबारी में उन्होंने अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद दुर्रा को खोया था। तब गाजा पर इजराइल की सेना का कब्जा था। दक्षिण गाजा की सलादीन रोड पर गोलीबारी के बीच वो बेटे के साथ फंस गए थे। जमाल एक दीवार के किनारे आड़ लेते हुए इजराइल की सेना को फायरिंग करने से रोकते रहे। उनका बेटा उनसे सटा हुआ था और फिर गोली उनके बेटे को आकर लगती है। वो फौरन दम तोड़ देता है। जमाल अल दुर्रा जिंदा थे, लेकिन अपने सामने बेटे को आखिरी सांसें लेते देखकर वो भी अंदर से खत्म हो चुके थे। आज इजराइल की बमबारी के बीच जमाल ने अपने दो भाइयों को खो दिया है। इजराइल की बमबारी झेल रहे गाजा से सबसे डराने वाली खबर यह है कि जो 2500 से ज्यादा मौत हुई थी उनमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। इन हमलों में मरने वाले बच्चों की तादाद 1000 पार कर चुकी है। इसमें करीब 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल से भी कम थी। इतने जनाजे एक साथ उठाने वाला गाजा आगे क्या करेगा? वैसे सवाल तो ये है कि इजराइल आगे क्या करेगा, क्योंकि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हर 5 सेकंड में एक जान जा रही है। इजराइल की बमबारी बहुत भयानक है। इजराइल का बम कहां गिर रहा है? इजराइल के लड़ाकू विमानों का टारगेट हमास है या फिर आम लोग, ये इजराइल का बम फैसला नहीं कर पा रहा। गाजा के एक इलाके में बमबारी के बाद जब रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंची तो देखिए क्या हुआ। फौरन अफरा तफरी मची और एम्बुलेंस से लेकर पूरी टीम बमबारी से बचने के लिए भागने लगी। बताया जा रहा है कि इस हमले में रेस्क्यू टीम के प्रमुख की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कई लोगों को फौरन अस्पताल लाया गया। गाजा से आने वाली ऐसी ही तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इससे भी खतरनाक पलों को गाजा का स्वतंत्र मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है। गाजा के एक अस्पताल में दिन रात काम कर इस डॉक्टर को पता चला कि उसके घर पर बम गिरा है और फिर कई लोग अस्पताल लाए गए हैं। वो उनके पास फौरन पहुंचा, दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये डॉक्टर दूसरे कमरे में जाता है तो वहां अपने बेटे की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद ये डॉक्टर अपने आप पर काबू रखकर फिर से बेटे की लाश देखने पहुंचता है। साथ में पत्नी भी है, सब बुरी तरह रो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सब्र रखे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर बहुत हिम्मत वाले होते हैं। उनका पेशा ही ऐसा होता है, बहता हुआ खून, दर्द से कराते लो, लेकिन जब किसी डॉक्टर के सामने अपने ही बेटे की लाश हो और वो रो भी ना पाए, यही गाजा का दर्द है जो इजराइल की बमबारी के बीच बार बार उभर कर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इस वक्त गाजा में 8 से ज्यादा डॉक्टर इजराइल की बमबारी में मारे जा चुके हैं, क्योंकि इजराइल का बम हर तरफ बरस रहा है। गाजा पर इजराइल की लगातार बमबारी जारी है। पूरी गाजा की सीमा पर इजराइल की सेना तैनात है।
माहौल बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि 2005 के बाद पहली बार इजराइल गाजा में घुसने की तैयारी में है, लेकिन अब तक जो हमले किए गए हैं वो एयर स्ट्राइक और कुछ दूरी से तोप के जरिए ही किए गए हैं और अभी इंतजार है घुसने का इजराइल को गाजा के अंदर। टारगेट सिविलियन है या हमास, इसका फर्क कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। गाजा में 2500 से ज्यादा मौत होने के बाद बेन्यामिन नेतन्याहू के पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नाम है जो हमास के खिलाफ बड़ी चोट कहे जा रहे हैं। इजराइल का खूनी छापा अब बड़े बड़े दावे कर रहा है। नेतन्याहू के खूनी छापे में हमास के कई कमांडर मारे जाने का दावा किया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। हजारों टन गोला बारूद से गाजा को समतल किया जा रहा है और अब हमास के जिन कमांडर को खत्म करने का दावा किया गया है उनमें हमास के नुखबा ग्रुप का कमांडर अली कादी है। इसमें हमास के नुखबा ग्रुप का एक और कमांडर बिलाल अल कादरा है। इसमें दक्षिण गाजा का मिलिट्री कमांडर मुइताज ईद है। इसमें हमास के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले विभाग का प्रमुख जकारिया अबू माबर है। इसमें हमास के वित्त विभाग का चीफ जुआद अबू शमाला है। इसमें हमास के कम्युनिकेशन और सिग्नल विभाग का प्रमुख मेराद अबू मेराद भी है। זה להיכנס לעזה, זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך, פועל, מתכנן, משגר, לפגוע בו קשה מאוד בכל מקום, בכל מפקד, בכל פעיל, להשמיד תשתיות, במילה אחת, לנצח. गाजा में हमास के कई कमांडर मारे गए हैं, लेकिन हमास की असली लीडरशिप तो कतर में बैठी है। ऐसे में गाजा में हो रहे बड़े बड़े हमलों से हमास को पूरी तरह खत्म करने का इजराइल का मिशन क्या पूरा हो पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इजराइल की जनता भी जानना चाहती है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी जानना चाहते हैं। ब्लिंकन 5 दिन में दूसरी बार इजराइल पहुंचे तो इससे गाजा इजराइल युद्ध की बढ़ती हुई रेंज और इसके एक बड़े युद्ध में तब्दील होने के खतरे को समझा जा सकता है। I had very good conversations both with the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need. गाजा पर चढ़ाई के लिए इजराइल की फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। गाजा के बाहर इजराइल के टैंक गोले बारूद के साथ खड़े हुए हैं। कमांड सेंटर से जैसा ऑर्डर आया ये उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, कोई कमी ना रह जाए इसके लिए बैकअप फोर्स भी पहुंचाई जा रही है। इजराइल से गाजा की तरफ जाने वाली हर सड़क पर इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव देखा जा सकता है, लेकिन इससे पहले नेतन्याहू मोर्चे पर जा चुके हैं। वो इजरायली सैनिकों से कह चुके हैं कि दूसरी स्टेज के लिए तैयार रहें और गाजा में इजराइल पहले से भी खतरनाक अटैक के लिए खुद को लैस कर चुका है। अब इजराइल के कमांडर इन चीफ जाकर बता रहे हैं कि हमास को किस तरह खत्म करना है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि गाजा में फुल स्केल ऑपरेशन वाला मिशन अब तक शुरू नहीं हुआ है।